नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने घर बनाने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जमीनें खरीदते हैं। लेकिन जमीनें किस तरह से खरीदनी चाहिए जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा उससे समृद्धि आए, यानी कि धन की प्राप्ति हो। तो जानिए आज इस वीडियो के दौरान कि ऐसी कौन सी भूमि खरीदनी चाहिए जिससे कि आपके बिजनेस में लाभ हो। नंबर एक, कभी भी आप जमीन खरीदने जाएं तो हमेशा उस जमीन पर देखें कि वह जमीन किस प्रकार से है। यदि जमीन अच्छी है, फली हुई है, खेती करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आग जलाई जाती है तो वहाँ पर आग जलती नहीं है या फिर जलने के बाद बुझ जाती है, तो ऐसी जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन में आने वाले उन अवसरों को बिल्कुल ही खत्म कर देती है जो आपके जीवन को और आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसी जमीन आपके लिए फलदायी नहीं होती है। तो आप ऐसी जमीन बिल्कुल ना खरीदें। पर दो, जमीन खरीदते समय ये खास ख्याल रखें कि वह जमीन किस दिशा में पड़ती है। यदि आपकी जमीन पश्चिम दिशा में पड़ती है और पश्चिम दिशा में पड़ने के साथ साथ पश्चिम का हिस्सा ऊंचा होना चाहिए और पूर्व का हिस्सा नीचा होना चाहिए, वह जमीन ज्यादा फलदायी होती है। यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसी जमीन ही खरीदें। नंबर तीन, जमीन खरीदते समय हमेशा उस जमीन की मिट्टी जरूर देखें। यदि मिट्टी पीली और सफेद है तो वह मिट्टी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है आपके कार्यालय के लिए या फिर आपके घर के लिए। यदि आप कार्यालय बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मिट्टी सबसे ज्यादा शुभ है और यह उसके लिए आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। या फिर आप अपने घर बनवाना चाहते हैं तो अगर ऐसी मिट्टी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि घर के सदस्य एक साथ रहते हैं और आपके बीच में इतनी मधुरता रहती है जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े कलह नहीं होती। यदि मिट्टी लाल कलर की है तो वह माध्यम होती है, यानी कि अच्छी तो होती है लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं। अगर मिट्टी काले रंग की है तो आप कोशिश करें कि ऐसी जमीन बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि काली कलर की मिट्टी आपके लिए शुभ नहीं मानी जाती, वह किसी भी कार्य के लिए शुभ नहीं मानी जाती। आपने खास कर देखा होगा कि कभी भी हम कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो हम हमेशा अच्छे और ब्राइटनेस कपड़े पहनते हैं, कभी काले कलर के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि काला एक अशुभ कलर माना जाता है। यदि मिट्टी का कलर काला है तो ऐसी जमीन बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि कार्यालय और घर के लिए सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। कार्यालय आपका आगे नहीं बढ़ेगा, आने वाले अवसर भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यदि आप घर बनवा रहे हैं तो घर के सदस्यों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े कलह रहेगी और जिसकी लड़ाई होने के बाद आपके घर के सारे रिश्तेदार या फिर सदस्य दूर दूर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप जमीन खरीदते समय मिट्टी का खास ख्याल रखें। नंबर पाँच, यदि आप किसी को जमीन खरीद रहे हैं या फिर जमीन खरीदवा रहे हैं उसके लिए भी खास ख्याल रखें। हमेशा जिस जमीन को खरीद रहे हैं वहाँ पहले थोड़ी सी खुदाई करवाएं। अगर खुदाई करते समय आपको कोई भी कंकाल मिला या कपड़ा मिलता है तो वह अशुभ माना जाता है, क्योंकि अगर आप घर बनवाने के लिए तैयार कर रहे हैं उस जमीन को तो वह आपके घर के सदस्यों के बीच में कलह बढ़ाएगा, क्योंकि आपके जमीन के अंदर पहले ही किसी का कंकाल, किसी जानवर का या किसी इंसान के कंकाल का हिस्सा है जो आपके घर में कभी भी खुशियां नहीं आने देगा। और यदि आप कार्यालय बना रहे हैं या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं तो उसमें भी सबसे ज्यादा लॉस मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि यदि आप खुदाई करते समय हड्डियां या कपड़े मिलते हैं तो कभी भी ऐसी जमीन ना खरीदें। नंबर छह, यदि आप अपने लिए जमीन खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमेशा खास ख्याल रखें कि आप ऐसी जमीन बिल्कुल ना खरीदें जहां पर पहले शमशान रहा हो, पहले बड़े बड़े पत्थर हो या फिर पहाड़ हो या फिर ढाल हो, जिसकी वजह से आपका घर भी उसी तरह से बह जाएगा या फिर आपकी खुशियां भी उसी तरह से निकल जाएंगी घर से बाहर। तो आप कोशिश करें कि इस प्रकार की जमीन बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ऐसी जमीन आपके जीवन में खुशियां नहीं लेकर आती और जिससे आपके घर में या फिर कार्यालय में प्रॉफिट नहीं होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।